हाँ माताओं बहनों, मैं बताया करता हूँ एक ही सेंटेंस में, देखिए ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। ये ऊत, भूत, डोरी, गंडे, माता, सेठ, मसानी, जादू, टोने, झाड़े, झपटे, नजर, टोक, घाल, कोको, लूलू, हाऊ, बिनसिरा, ये सारा झगड़ा झूठा है। ऋषि की कृपा से सारा पाखंड जो है आज काफूर हो गया है। लेकिन कुछ भोली माताएं बहने आज भी पाखंड में लगी हुई है। सजनों, हमने ऋषिवर दयानंद को नहीं समझा, अगर ऋषि को समझते तो देश की तो काया पलट हो जाती। जनो ध्यान दें मेरी तरफ को आप, मैं क्या निवेदन कर रहा था आपकी सेवा में। अरे मूर्ति पूजा ना होती तो ये नुकसान नहीं होता, मंदिर और शिवालय में पत्थर भगवान नहीं होता, 613 साल तलक शासन मुसलमान नहीं होता, 250 साल तलक गोरा बेईमान नहीं होता, 20 साल तक भारत का नेहरू प्रधान नहीं होता, अगर प्रधान नहीं होता तो ये पाकिस्तान नहीं होता। मैं तो दूसरी बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था सजनों, कितने निर्भीक थे मेरे ऋषि। और एक बार उनके जीवन की घटना है, उनके व्याख्यान में भारत के जंगली लाट रोवर्स आए, तो उस दिन ऋषि ने बाइबल की कुरीतियों का खंडन किया, तो बाद में ऋषिवर जब बोल चुके, बाद में जंगली लाट रोवर्स उठे और उन्होंने आंगल भाषा में कहा कि व्हेन यू कैन स्पीक इन दिस फैशन ऑन द बाइबल इन अवर प्रेजेंस यू मस्ट केयर बट इट इल फॉर अदर्स, ए रियल सन्यासी विल फियर नथिंग। सजनों ऐसे थे महर्षि स्वामी दयानंद, ऐसे निर्भीक थे। सजनों बहुत से भाई कहते रहते हैं महाशय जी ये बातें तो हमने सुनी, आज तो नई रोशनी का जमाना है, नई रोशनी की बात कीजिए। सजनों क्या है नई रोशनी? अरे हमने तो लिख दिया भाई कैसी नई रोशनी आई। अरे कैसी नई रोशनी आई, युवकों की क्या कहूँ कहानी, बिल्कुल खोती सुनो जवानी, हरकत करते इतनी गंदी, मुख से जाती नहीं बखानी। सजनों आज का नौजवान क्या नौजवान है? अरे जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं, कह दिया दुश्मन से डटकर तू नहीं या हम नहीं, क्या जवान है जालिमों पर जिसने फेंका बम नहीं। और आज अरे जवानों के लिए सैरो सपट्टे रह गए, बात और बेबात भी हंसी वो ठट्टे रह गए, देशभक्ति तो गई चोरी उचट्टे रह गए, और या यूं कह दूं ज्यादातर उल्लू के पट्टे रह गए। सजनों मैं तो दूसरी बात निवेदन कर रहा था, मैं कह रहा था अरे कैसी नई रोशनी आई, युवकों की क्या कहूं कहानी, बिल्कुल खोदी सुनो जवानी, हरकत करते इतनी गंदी, मुख से जाती नहीं बखानी, चोरी जारी करते डोले, देखे नहीं बहन और माई, कैसी नई रोशनी आई। अरे हुआ विदेशी पीना खाना, आज हमने अपना रहन सहन खान पान आचार विचार सब कुछ बदल डाला। सजनों मेरे देश में जब घर घर में गौओं का पालन होता था, लोग गौओं का घी दूध खाते थे, अरे कितना सस्ता था। सजनों मैं नहीं कहता, अरे कवि लिखता है 5 पाई का दूध 1 मन, 5 पाई का दूध 1 मन था चंद्रगुप्त के काल में, 6 आने मन घी बिकता था, ईसा की पैरडी साल में 6 आने का शतीर बिके था, रामनगर की ताल में कड़ी मुफ्त मिलती थी उनको जो रहे थे नैनीताल में, अरे 8 धड़ी के बासमती थे उसी समय नेपाल में, गेहूं 3 मन जो 5 मन बिकते थे चौपाल में, और 200 आदमी छिक जाते थे 2 आने की दाल में। सज्जनों ये था मेरा देश, लोग जो है आस्तिक थे, परमात्मा में विश्वास करते थे, अरे दूध भैंस का ना पीते थे, या तो घर घर गऊ पालते थे, पीने से जो दूध बचे था उसका घृत निकालते थे, सामग्री में मिलाकर उसको अग्नि अंदर डालते थे, उससे भी जो बच जाता था उसका दीवा बालते थे। सजनों ये हालत थी, मैं तो दूसरी बात निवेदन कर रहा था, मैं कह रहा था हुआ विदेशी पीना खाना, फैशन करके चले जनाना, सर पर इतने बाल बढ़ाए कि लड़का लड़की नहीं जाए पहचाना, मुंह पे पाउडर लगा हुआ है, चले घाल आंखों में शाही, ये कैसी नई रोशनी आई। अरे जनखों जैसी सुनो चाल है, जनखों जैसी सुनो चाल है, बने डांसर बुरा हाल है, नाक पकड़ते जी निकले, सूखा मुंह और चूड़ी खाल है। जनखों जैसी सुनो चाल है, बने डांसर बुरा हाल है, नाक पकड़ते जी निकले, सूखा मुंह और चूड़ी खाल है, उठते कहें अंधेरा आवे, धरती दे धौली दिखलाई, कैसी नई रोशनी आई। खेल है इनका प्यारा क्रिकेट, भाषा बोले गिटपिट गिटपिट, घर में मुंह से कला करे हैं, जहां दहेज में आजा फिट फिट, ट्रक से जाकर के टकराया, अरे पड़ा खुरचना जान गमाई, कैसी नई रोशनी आई। और फैशन प्रस्ती इश्क मिजाज,
खोदी सारी शर्म लिहाज, मजनू बने सड़क पर डोले, सब के सब ये धोखेबाज। आज का नौजवान फिल्मी तर्जों का कायल है। एक दिन सज्जनों मैंने देखा भाइयों, एक नौजवान गाना गा रहा, क्या गा रहा था, मेरा ये दिल है आवारा न जाने किस पे आवेगा। हमने कहा नौजवान क्या बकवास करता है, अरे सुन, तेरा अगर दिल है आवारा तो बदमाशी में आवेगा और पड़ेगी मार डंडों की, जमा तू जेल जाएगा। तो मैं तो आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था सज्जनों, ये स्वांग सिनेमा में नित जावे, गंदे राग रागनी गावे, पतिताओं को माला डालें और वेद जान को बुरा बतावें, भाई श्रीपाल बंद कर दे गाना, भला कौन सुने तेरी कविताई, कैसी नई रोशनी आई। हाँ तो